हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपके सामने उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने जियो कंपनी में और ना कॉलिंग्स की जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा उसमें सिलेक्शन हो चुका है। और मैं जो मुझे कॉलिंग्स की जॉब मिली है, जिसमें मुझे घर पर ही रहकर कॉलिंग्स का जॉब करना पड़ेगा, और जो है जिसमें इसमें जो जॉब है इसमें ये एक हाउसवाइफ के लिए है, जो गृहिणी है या जो बहन बेटियां घर पर रहती हैं, बाहर जाना उनका अलाउ नहीं होता है या जो बाहर नहीं जा सकती हैं किसी भी कारणवश जो है, तो उनके लिए ये जॉब बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि इस जॉब के द्वारा आप घर बैठे ही जितना काम आप कर पाओगे उससे उसका उतना ही कमा सकते हैं आप, उसमें जितना अर्निंग कर सकते हैं वो आपके आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप कितना वर्क कर पाएंगे, कितना अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और वो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छे से अच्छा आप अर्निंग कर पाएंगे। और जैसे कि मैं भी अभी न्यू ज्वाइन किया है तो उतना अभी मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने 8 से 10 दिन हुए हैं मुझे कॉलिंग्स करते करते, और अच्छा भी लग रहा है बट थोड़ा थोड़ा अजीब सी भी लगा था, क्योंकि कॉलिंग्स में जो है आपको हर तरीके का कस्टमर मिलता है, आपको अच्छे भी कस्टमर रहते हैं और जो बहुत जो गांव के जो ज़्यादा एकदम ज़्यादा गांव के पिछड़े जो लोग रहते हैं, आप बहुत से ऐसे अजीब से लोग होते हैं जो बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कॉलिंग्स में और जो है हेलो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर तरीके का कस्टमर आपको मिलता है जॉब में, क्योंकि अच्छे भी रहते हैं जो पढ़े लिखे रहते हैं उनका अच्छे से आपके जैसे अभी कुछ भी आप उनको जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अलावा वो अच्छे से रिस्पांस देते हैं उधर से जो है। बट कोई भी कभी कस्टमर बहुत ज़्यादा खराब रहता है जो बहुत गलत भी बोलता है, पर ऐसे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जब आप कॉलिंग्स का जॉब कर रहे हैं और कॉलिंग्स की जॉब में आपको हर तरीके का कस्टमर मिलेगा, उससे हर तरीके की बात हो जा सकती है, क्योंकि कस्टमर को आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं जान सकते हैं क्योंकि वो अपोजिट में भी जवाब दे देते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है। बट इस सबसे मेन जो चीज़ रहता है, क्योंकि आप घर पर रह कर इसमें कुछ कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है कि अपने पति के साथ हाथ से हाथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि गृहिणियाँ ज़्यादातर कुछ कमा नहीं पाती हैं, सिर्फ उनके जो हस्बैंड कमाते हैं उनसे उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। और जिस जो जो लेडीज़ कमाती है उसके हस्बैंड कमाते हैं, दोनों कमाते हैं तो उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो आगे तक भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे भी पता, काफ़ी टाइम से मुझे शादी के बहुत टाइम हो चुका है, जब से मैंने ना हाउसवाइफ थी और गांव में रहती थी, तो आपको पता है गांव में तो कोई भी स्कोप नहीं होता है कहीं पे भी कुछ करने का, बस ये है कि आप घर का काम कर लो। अगर आप ज़्यादा ही इतने मेहनती हैं तो खेत में, और जैसे आप अगर भैंस गाय वगैरह पाल सकते हैं, दूध वगैरह बेच सकते हैं, यहाँ पर लेडीज़ों के लिए बस यही एक काम था और इसके अंदर कोई काम नहीं था। जैसे कि आप पता है कि गांव में इतनी पढ़ी लिखी लेडीज़ अगर शादी होती है तो ज़्यादातर आपका भविष्य खराब ही होता है, क्योंकि जहाँ पे ऐसा स्कोप ना होने की वजह से गांव में महिलाएं ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके पास जो मेहनत का काम रहता है ज़्यादातर जो खेतों का काम रहता है, या जो जब महिलाएं जो भैंस वगैरह पालती हैं उनका दूध वगैरह बेच बचा के यही काम था। तो यही चीज़ें मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि जब पर मैं पढ़ी लिखी थी तो मैंने सोचा कि जब मेरे पढ़े लिखे होने का कोई मोल ही नहीं है, जब क्योंकि ये तो चलो अनपढ़ हैं, इनका तो यही है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगी आगे तक, क्योंकि जब अनपढ़ है तो उन पर कोई ऑप्शन ही नहीं होता है इनके मेहनत के सिवा जो है, और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं, काफ़ी अवसर होते हैं उनके पास जॉब के लिए। फिर मेरे जो रिलेशन में मेरी भाभी लगती है, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो कॉलिंग का जॉब कर सकती हो, ये घर पे वर्क फ्रॉम होम है, ये घर से ही कर सकते हैं आप लोग जो है। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप मेरे लिए भी बात करें और मेरे लिए भी, तो उन्होंने मेरे लिए फॉर्म अप्लाई किया। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन का आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ग्रेजुएशन से ही आप इसमें कॉलिंग्स की जॉब कर पाएंगे जो है। तो मेरा कंप्लीट था, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको जो अप्लाई किया और मेरा जो सिलेक्शन हो चुका है, और मैं कॉलिंग्स के भी कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। बट अभी ऐसा है कि ऐसा होता है कि जब हम कुछ करते हैं और कुछ चाहे वाले हम 100 रुपये कमाएं या 200 रुपये कमाएं या 1000 रुपये कमाएं या 10000 रुपये या 5000, कुछ भी कमाते हैं हम अपने घर में अपनी मेहनत से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील होता है कि हाँ हम भी कुछ कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पास कुछ नहीं था घर में काम करने के लिए, और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि खुशी का आपके पास ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि जब आप फालतू हो बेरोजगार हो और आपको कोई रोजगार मिल जाए वो भी घर बैठ के आपको काम मिलता है, तो आपको इससे ज़्यादा खुशी कभी किसी गृहिणी को या महिला को या मेरी बहन बेटी को किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा अवसर होता है महिला के लिए, जो अपना सुबह का काम सारा फिनिश करके अपनी जॉब पे घर पे ही बैठ के कर सकती है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को, सारी चीज़ों को संभाल सकती है और
ये चीजें बहुत ज्यादा मेन रहती है गृहिणियों के लिए, क्योंकि उनको घर संभालना, उनके जो बड़े बूढ़े जो घर में सास ससुर बच्चे जो भी रहते हैं उन सबको संभालना उनके लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आप जॉब भी कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। और मुझे जब अच्छा लगा, और जब मैंने इस पे मुझे पहले सैलरी आया था तो थोड़ा कम आया था, क्योंकि इतना नॉलेज ना होने की वजह से मेरे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा था, पर मुझे वो छोटा सा सैलरी जब मिला था तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और मैंने जब मिठाई बांट के पूरे घर को खिलाया था और सब कुछ किया था तो मुझे ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसकी इस वजह से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप घर में भी रह के कुछ कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हर महिला को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ करोगे जब ही आप आगे तक बढ़ पाओगे और आगे बढ़ोगे तो ही तरक्की कर पाओगे। तो प्लीज़ सभी गृहिणियों महिलाओं से मेरा विनती है कि वो कुछ ना कुछ अपने घर पर रह कर कुछ ना कुछ करें जिससे कि वो आगे तक बढ़ सकें। थैंक यू।